Hello students, welcome to EduFriend, our e-learning platform. Aaj hum shuru karenge examples on the chapter shear force and bending moment. Okay, sabse pehle SFD matlab shear force diagram and BMD matlab bending moment diagram. Okay, chalo type 1 shuru karenge. Type 1 kya hai? Simply supported beam. देखो ना, for example, यहाँ पे ये जो beam A B है ना, इस पे ये जो loading apply हुआ है ना, इस loading को हम क्या बोलते हैं? Action, and action को balance करने के लिए at both the ends क्या है? Simple reactions, okay ना? तो end A पे जो reaction है, वो क्या है? R A, and end B पे जो reaction है RB, that is, it is a simple example of simply supported beam. Okay, chalo, actual example shuru karenge. To first example, dekho, draw the shear force and bending moment diagrams for the beam shown in figure. Indicate on the diagrams the values of shear force and bending moment at significant points. Find maximum bending moment. Okay, सबसे पहले diagram तो question में given है. एक बार diagram observe करो. Beam A B, ठीक है ना? अब ये क्या है? Actions on the beam, मतलब vertically downward point loads. Magnitudes क्या है? 40 kilonewton, 40 kilonewton, 40 kilonewton. And important क्या है? A span देखो. A to E 1 meter, E to D 1 meter, D to C 1.5 meter and 1.5 meter. Okay, अब students, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या find करना है? At point A reaction R A की value find करना है, at point B reaction R B की value find करना है. Okay, so step 1, क्या करेंगे देखो? To find support reactions. Okay, support reaction find करने के लिए फर्स्ट क्या है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो. तो स्टूडेंट्स, मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन याद रखो, अबाउट एनी पॉइंट. अगर क्लॉकवाइज मोमेंट हो तो प्लस, एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो तो माइनस. ओके, चलो शुरू करेंगे. अब अबाउट पॉइंट ए हमें क्या करना है? ऑल फोर्सेस की मोमेंट फाइंड करना है. सबसे पहले देखो ना, आर ए पासेस थ्रू पॉइंट ए, दैट्स व्हाई अबाउट पॉइंट ए आर ए की मोमेंट जीरो. और एक बार, अबाउट पॉइंट ए आर ए की मोमेंट जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, अब अबाउट पॉइंट ए 40 किलो न्यूटन की मोमेंट क्या होगी? देखो, क्लॉकवाइज मतलब प्लस होगी ना, तो देखो 40 इंटू 40 का फ्रॉम पॉइंट ए डिस्टेंस क्या है? 1, 40 इंटू 1. अब अबाउट पॉइंट ए इस 40 की मोमेंट भी क्या है? क्लॉकवाइज, सो प्लस 40 इंटू इस फोर्स का ए से डिस्टेंस क्या है? 2. समझ में आ रहा है? उसके बाद अब ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए, इसकी मोमेंट भी क्या है? क्लॉकवाइज ना, सो प्लस मैग्नीट्यूड इनटू इस फोर्स का फ्रॉम पॉइंट ए डिस्टेंस क्या है? 3.5. ओके, उसके बाद अबाउट पॉइंट ए आरबी की मोमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस आरबी इनटू आरबी का फ्रॉम पॉइंट ए डिस्टेंस क्या है? 5 ना, तो इनटू 5 इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, हमें ना आरबी की वैल्यू फाइंड करना है. तो क्या करेंगे देखो, ए वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट का कैलकुलेशन करो, वैल्यू मिल जाएगी 260 माइनस 5 आरबी. अगर राइट हैंड साइड के लिए तो प्लस 5 आरबी. देयरफॉर आरबी इक्वल टू 260 अपॉन 5 किया तो 52 किलो न्यूटन. समझ में आ रहा है? ओके, अब स्टूडेंट्स आरबी की वैल्यू तो मिल गई. अब नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या अप्लाई करेंगे? समेशन ऑफ एफवाई इक्वल टू 0. अब समेशन ऑफ एफ वाई में कन्वेंशन क्या है? अगर अपवर्ड फोर्स हो तो प्लस, डाउनवर्ड फोर्स हो तो माइनस. ओके, चलो शुरू करेंगे. आर ए क्या है?
vertically upward. कैसे लिया देखो, plus 40 downward minus downward minus, ये भी downward मतलब minus और RB upward मतलब plus and RB की जगह RB की value 52 put up किया equal to 0. और एक बार upward plus minus 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 and plus. Okay, अब students next step क्या करेंगे देखो, RA as it is. अब ये जो calculate जो है ना minus 40 minus 40 minus 40 and plus 52, इन सब का अगर calculation किया तो final value मिल जाएगी 68 किलो न्यूटन. समझ में आ रहा है ना? Okay students, यहाँ पे video pause करके पहले क्या करो, इतना part लिख लो. अब students एक बार reactions मिलने के बाद next step क्या होगी, to draw SFD. तो देखो ना, okay next page पे देखो. अब यहाँ पे हमारे पास reactions तैयार है, so हम ना यहाँ पे क्या करेंगे देखो, हमारी method ऐसी है, हम सबसे पहले क्या draw करेंगे, SFD shear force diagram draw करेंगे and with the help of SFD हम shear force calculations करेंगे, ठीक है ना. अब actually shear force calculation के लिए sign convention क्या होता है देखो, about section. ये क्या है, section about section. अगर force clockwise हो ना, और एक बार about section, अगर force clockwise हो तो उसको plus लेंगे, about section अगर force anti clockwise हो ना, देखो ना चेक करो, अब ये क्या है section, about section अगर force anti clockwise हो तो क्या लेंगे, minus. but students हम जो method use करने जा रहे हैं ना उसमें convention ज्यादा use करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जो shortcut method use करेंगे ना, अच्छी तरह से देखो. अब हमें क्या करना है, इस beam के लिए shear force diagram draw करना है, तो क्या करेंगे देखो, first baseline draw करो. okay अब अच्छी तरह से देखो, ये जो point A है ना, at point A क्या है, reaction RA upward है ना, value 68 किलो न्यूटन. so क्या करेंगे, from this point vertically upward line draw करो जिसकी magnitude 68 चाहिए. okay अब from point A to E there is no any load ना, that's why A to E shear force diagram will be parallel to x axis. okay अब यहां पे value कितनी होगी, 68 होगी. okay अब अगर at point E कितना फोर्स है, 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है ना, सो 68 से इसको माइनस करेंगे. याद रखो अपवर्ड हो तो प्लस, डाउनवर्ड हो तो माइनस, तो 68 माइनस क्या करेंगे, 40 करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी 28. तो माइनस 40 किया तो वैल्यू 28. ओके अब एक बार 28 वैल्यू मिलने के बाद E to D देयर इज नो एनी लोड ना, shear force diagram parallel to x axis. okay value कितनी है, 28. okay अब students at point D point load क्या है, downward है ना, so क्या करेंगे, minus. तो देखो ना 28 minus 40 किया तो value मिल जाएगी minus 12 किलो न्यूटन. अब students याद रखो baseline मतलब क्या होती है, zero, zero के ऊपर plus, नीचे गए तो minus. okay ना, सो हमें कहां तक जाना पड़ेगा देखो, बेसलाइन के नीचे 12 जाना पड़ेगा, तो 28 माइनस 40 किया तो माइनस 12. अब एक्चुअली बेसलाइन के नीचे है ना, मतलब यहां पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है. ओके सो डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, प्लस लिखेंगे. ओके उसके बाद डी टू सी नो एनी लोड ना, एसएफडी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके उसके बाद देखो ना, अब एट पॉइंट सी वैल्यू कितनी है, 12, baseline के नीचे मतलब minus 12 है. अब इसमें से plus 40 या minus 40, downward है मतलब minus 40. तो देखो ना minus 12 minus 40 किया तो minus 52. okay so यहाँ से नीचे क्या जाएंगे, 40 से नीचे जाएंगे, minus 52. okay अब C to B no any load मतलब parallel to x axis, ठीक है ना. अब यहाँ पे value क्या है, minus 52. अब students at point B load क्या है, that is reaction RB upward है ना, upward मतलब plus,
तो माइनस 52 में प्लस 52 ऐड किया तो वैल्यू मिल जाएगी जीरो. सो क्या करेंगे एसएफडी, जीरो तक ड्रॉ करेंगे. अब यहां पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. अब बेसलाइन के जो ऊपर है ना, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, ठीक है ना, यहां तक एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम हमने ड्रॉ किया. अब स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ एसएफडी ना हम एसएफ कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो मेथड एक बार देख लो अच्छी तरह से देखो. ओके सो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले ये जो बी है ना, अलोंग बी एसएफ के दो रीडिंग्स है, शियर फोर्स के दो रीडिंग्स है. अलोंग सी शियर फोर्स के दो रीडिंग्स है. अलोंग डी शियर फोर्स के दो रीडिंग्स है. अलोंग ई आल्सो देयर आर टू रीडिंग्स. अलोंग ए आल्सो देयर आर टू रीडिंग्स, ठीक है ना. अब अच्छी तरह से देखो, हमें ना इस राइट हैंड एंड से शुरू करना है. तो स्टूडेंट्स याद रखो, दिस रीडिंग इज रिलेटेड टू बी राइट, बी राइट, ओके ना. दिस रीडिंग देखो और एक बार, दिस रीडिंग रिलेटेड टू राइट एंड दिस रीडिंग रिलेटेड टू बी लेफ्ट, ओके ना. दिस रीडिंग रिलेटेड टू सी राइट लेफ्ट, समझ में आ रहा है ना. फर्स्ट जो मिलेगा वो राइट होगा, उसके बाद जो मिलेगा लेफ्ट. यहां पे आएंगे, अब ये फर्स्ट मतलब राइट, ये वाला लेफ्ट, ये फर्स्ट मिला मतलब राइट और ये वाला लेफ्ट. स्टूडेंट्स हमें ना सिर्फ यहां पे वैल्यू लिखना है, ठीक है ना. सो चलो शुरू करेंगे. ये क्या है, शियर फोर्स एट बी राइट, ठीक है ना. सो देखो शियर फोर्स कैलकुलेशन, सबसे पहले शियर फोर्स एट बी राइट वैल्यू कितनी है, जीरो. उसके बाद शियर फोर्स एट बी लेफ्ट ना वैल्यू नीचे है ना, मतलब माइनस 52 किलो न्यूटन, ओके. उसके बाद ये क्या है, शियर फोर्स एट सी राइट माइनस 52 किलो न्यूटन. उसके बाद शियर फोर्स एट सी लेफ्ट माइनस 12 किलो न्यूटन. उसके बाद शियर फोर्स एट डी राइट कितना है, माइनस 12 ना. सो देखो डी राइट माइनस 12 किलो न्यूटन. अब शियर फोर्स एट डी लेफ्ट समझ में आ रहा है ना, कितना है, प्लस 28 किलो न्यूटन. यहां पे शियर फोर्स एट ई राइट कितना है, प्लस 28, ओके. उसके बाद शियर फोर्स एट ई लेफ्ट प्लस 68 किलो न्यूटन. यहां पे शियर फोर्स एट ए राइट क्या है, प्लस 68 किलो न्यूटन. एंड शियर फोर्स एट ए लेफ्ट कितनी आएगी वैल्यू, जीरो किलो न्यूटन. समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स. यहां पे वीडियो पॉज करके पहले एसएफडी ड्रॉ करेंगे और एसएफ कैलकुलेशन जैसे मैंने किया है ना उसकी पहले प्रैक्टिस करो, ओके ना. अब स्टूडेंट्स एसएफ कैलकुलेशंस के बाद नेक्स्ट स्टेप होगी बीएम कैलकुलेशंस. अच्छी तरह से देखो, हम ना पहले बीएम कैलकुलेशंस करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ बीएम कैलकुलेशंस हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ओके. अब बीएम कैलकुलेशन के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, देखो अबाउट सेक्शन, अगर मोमेंट अपवर्ड हो तो पॉजिटिव, अबाउट सेक्शन अगर मोमेंट डाउनवर्ड हो तो नेगेटिव. और एक बार, अपवर्ड मोमेंट पॉजिटिव, डाउनवर्ड मोमेंट नेगेटिव, ठीक है ना. ओके चलो कैलकुलेशन शुरू करेंगे. अब सबसे पहले देखो ना बीएम कैलकुलेशंस. अब बीएम कैलकुलेशन में ना सबसे पहले हम अबाउट पॉइंट ए क्या करेंगे, बीएम कैलकुलेशन. उसके बाद अबाउट पॉइंट सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई एंड फाइनली अबाउट ए हम क्या करेंगे, बीएम कैलकुलेशन. अब अच्छी तरह से देखो, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी. अब बी के राइट हैंड साइड को कुछ भी नहीं है, तो हमने अगर राइट हैंड साइड पार्ट कंसिडर किया ना तो अबाउट बी बेंडिंग मोमेंट जीरो, ओके. उसके बाद हम क्या करेंगे देखो, बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी. अब स्टूडेंट्स सी का एक तो पूरा आरएचएस कंसीडर करो या फिर पूरा एलएचएस, एलएचएस पे ज्यादा कैलकुलेशन है ना, तो बेस्ट वे सी का हम राइट हैंड साइड पार्ट कंसीडर करेंगे. अब आप ही बता दो, राइट हैंड साइड पार्ट पे आरबी है, अब अबाउट सी आरबी की मोमेंट क्या है, अपवर्ड. सो कैसे लेंगे, प्लस आरबी की वैल्यू इनटू
पॉइंट सी से डिस्टेंस 1.5, वैल्यू मिल जाएगी 78 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट डी इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स डी का एक तो पूरा आरएचएस लो या फिर पूरा एलएचएस, हम ना आरएचएस लेंगे। तो अब कैलकुलेशन बता दो अबाउट डी, आरबी की मोमेंट अपवर्ड ना, सो प्लस 52 इनटू डी से डिस्टेंस 3, उसके बाद 40 की मोमेंट अबाउट डी, 40 की मोमेंट क्या है डाउनवर्ड ना, सो माइनस 40 इनटू 40 का फ्रॉम डी डिस्टेंस 1.5 इक्वल टू कैलकुलेशन करो 96 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब उसके बाद बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट क्या है ई। तो स्टूडेंट्स ई का अगर आरएचएस लिया तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इंस्टेड हम क्या करेंगे एलएचएस लेंगे। ठीक है ना, सो ई का अगर एलएचएस लिया तो ओनली आरए है, अबाउट ई आरए की मोमेंट अपवर्ड, सो प्लस आर ए की वैल्यू इनटू डिस्टेंस क्या है 1, सो वैल्यू 68 किलो न्यूटन मीटर। ओके, एंड फाइनली बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। अब स्टूडेंट्स ए का हम क्या करेंगे बेस्ट वे, एलएचएस लेंगे, क्योंकि आरएचएस लिया तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, इंस्टेड एलएचएस लो, बीएम अबाउट पॉइंट ए, एलएचएस को कुछ भी नहीं है मतलब बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0। ठीक है ना, अब कैलकुलेशन करने के बाद ना ए वैल्यू हम यहां पे डायग्राम में प्लॉट करेंगे, सबसे पहले बेस लाइन। ओके, अब आप ही बता दो अबाउट पॉइंट बी, बीएम की वैल्यू 0 है ना, तो 0, उसके बाद अबाउट सी प्लस 78, अबाउट सी वैल्यू क्या है प्लस 78, अबाउट डी वैल्यू 96 ना, अबाउट डी वैल्यू प्लस 96, अबाउट ई वैल्यू प्लस 68, ठीक है ना, सो प्लस 68, एंड अबाउट ए वैल्यू क्या है 0। ओके, तो यहां पे वैल्यू 0 हो गई। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखो ए पॉइंट यहां ज्वाइन किया, ए पॉइंट यहां पे ज्वाइन करो, ये वाला पॉइंट यहां पे ज्वाइन करो और ये वाला यहां पे ज्वाइन करो, क्लियर। अब बीएमडी बेसलाइन के ऊपर है मतलब प्लस आएगी, कैसे आएगी देखो प्लस, समझ में आ रहा है। अब यहां में ना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है 96 किलो न्यूटन मीटर ना, सो यहां पे लिखेंगे, देखो अच्छी तरह से देखो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 96 किलो न्यूटन मीटर एट पॉइंट डी। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके,